और देखें माशाल्लाह हमारा अंडा करी मसाला कितना प्यारा बना है। और देखें कलर देखें कितना प्यारा लग रहा है। आपको ऐसे बनाना है, इसी तरह बनाना है। और हमारी वीडियो को देखें और हमें फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर कर दें। और आइए आपको दिखाते हैं कि ये अंडा करी मसाला कैसे बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आसिफ, आप देख रहे हैं फूड मलक स्टाइल। आज हम बनाएंगे अंडा करी मसाला और उसमें क्या क्या मसाला जा जाएंगे, कैसे बनेगी, आपको सबको तफसील में बताएंगे। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फूड मलक स्टाइल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और दोस्तों अहबाब के साथ हमारे चैनल को शेयर भी कीजिएगा। और चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो देखिए सर, हमारे पास 4 अदर अंडे हैं, हमने इसको बॉईल करके छील लिया है क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, हमें दिखाना होता है आपको। अगर अभी बॉईल करते तो वीडियो लंबी हो जाती है, तो लंबी वीडियो ज़्यादा लोग देखना पसंद नहीं करते, इतना लोगों के पास टाइम ही नहीं है। तो 4 अदर अंडे ले लिए, बॉईल करके छील लिए इनको, और 5 अदर छोटे मीडियम साइज वाले आलू ले लिए मैंने, टमाटो पोटैटो उसको छील लिया है, अच्छे से साफ करके रख लिया है। 2 छोटे वाले प्याज ले लिए हमने, उनको फाइन चॉप करके रख लिया। और हमारे पास टमाटर है, मीडियम साइज का एक टमाटर है, ग्रीन चिली है, हरी मिर्च, ये हमारे पास 4 से 8 दाने हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक, धनिया है हमारे पास, और पुदीना है थोड़ा सा, और रेड चिली पाउडर है, और कुटी हुई मिर्च है। और इसी का आधा चम्मच, खाने का चम्मच हमारे पास गरम मसाला है, और आधा चम्मच ही हमारे पास सूखा धनिया है जिसको हमने कूट लिया है, और आधा चम्मच हमारे पास हल्दी पाउडर है, और 1 चम्मच भर का हमारे पास सॉल्ट है, नमक। ठीक है, और इसको बनाते हैं और इसमें क्या क्या जाएगा, कैसे कैसे बनेगा ये आपको दिखाते हैं। अब 2 चम्मच हमने घी लिए है भरकर, अब हम फ्लेम ऑन करेंगे। फ्लेम हमने ऑन कर लिया है, अब इसमें शामिल करेंगे प्याज, अनियन, और तो प्याज की बुनाई करेंगे अच्छे से, तो कच्चापन खत्म करेंगे, जैसे लाइट ब्राउन होगा तो इसमें बाकी मसाला मिक्स करेंगे। तो हमारा भी लाइट ब्राउन प्याज हो चुका है, अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको अच्छे से भुनना है। लहसुन और अदरक का पेस्ट जो डाल के इसको अच्छे से बुनाई करें, ये कच्चा ही आना चाहिए, कच्चे का जो है ना वो मज़ा नहीं आता इस बाद में, इसका कच्चा अपन ज़रूर ख़त्म करें। और डालेंगे इसमें ग्रीन चिली, हरी मिर्च, इसको इकट्ठे भून लेंगे, इसकी थोड़ी सी बनाई पूरी हो जाती है। उसके बाद हम शामिल करेंगे टमाटर, तो अभी लहसुन और अदरक और हरी मिर्च ये कंबाइन हो चुकी है, भून गई है और इसका अभी खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। अब इसमें डालेंगे हम टमाटर, ये टमाटरों को गलाएंगे अच्छे से, मिक्स करेंगे इसको, गला कर फिर दिखाते हैं आपको। और हमारा भी जो फुलका जो है ना वो बना बनाई हो गई है, तो हल्का सा पानी शामिल किया है। और अब इसमें डालेंगे हम मसाले जात, और कुटी हुई मिर्च और लाल मिर्च, ये ऑप्शनल है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने लिया है 1-1 चम्मच। हल्दी
गरम मसाला, कुटा हुआ धनिया, सॉल्ट, नमक, इसे अच्छी तरह भुनना है हमने। इसको बुनाई करके तो फिर दिखाते हैं आपको। तो अभी मैंने अपने मसाले को भून लिया है, और भूनने के बाद मैंने आधा ग्लास पानी लगाया, आपने भी लगा लेना है। और पानी कम ज़्यादा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, क्योंकि तो हमारा है अंडा करी मसाला, तो क्या होगा थोड़ा सा में मसाला होगा तो ही बात बनेगी। क्योंकि इसमें हमने जो आलू बॉयल किए थे ना, उसको हाथ की मदद से मैश करना है और फिर इसमें शामिल करना है। वो क्या करेगा, गरीबी को थोड़ा ठीक कर देगा, गाढ़ा कर देगा, इसलिए थोड़ा अपने पानी छोड़ना है। मैंने आधा ग्लास लगाया है, आप वहाँ काम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी बुनाई करते हैं, अच्छे से भूनते हैं इसको, फिर इसमें आलू शामिल करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। तो अब इसको थोड़ा पानी लगाया हमने, मसाला जो है वो फूल जाएगा, जो मिर्च है, नमक है, जो मसाला जाता है हमने डाले हैं इसमें, तब एक जान हो जाएगा, ठीक से हमारा बैटर बन जाएगा। और उसके बाद फिर हम इसमें आलू शामिल करेंगे, ठीक है, हमारे पास आलू हैं, इसको बाद में शामिल करेंगे। और अब इसमें हमारी बनाई हो चुकी है, इतनी ग्रेवी आपने रखनी है। मैंने हाथ की मदद से इसको मैश कर लिया है आलूओं को, और इसमें डालेंगे अभी। मैंने आलू डाल दिए मैश करके, अब इसमें हम मिक्स कर देंगे इस मसाले में। पानी इसलिए डाला था ताकि ये आलू जो है ना, उस पानी को थिक कर लेंगे, सख्त कर लेंगे, मसाला और आलू सब एक जान हो जाएंगे, ग्रेवी बन जाएगी हमारी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। अगर आपने ट्राई की है तो ठीक है, अगर नहीं ट्राई की है तो हाईली रिकमेंडेड है, इसको ज़रूर घर में इस्तेमाल कीजिएगा। और ये बहुत टेस्टी है और बड़ा ही लज्जत वाला है और आसान चीज़ है। इसको चम्मच से ऐसे मैश करके देखें, ये हमारा जो बैटर है कितना प्यारा बन गया, देखें कलर, देखें कितना खूबसूरत हो गया। अभी पानी था, अभी देखें आलू की वजह से ये थिक हो गया, गाढ़ा हो गया, इसमें टेस्ट फ्लेवर हर चीज़ की जान होगी। अब इसमें हम, ये हमारा बैटर बन के अभी तैयार है। अभी अंडों की तलाई करेंगे, और तलाई कैसे करते हैं अभी दिखाते हैं आपको। तो चलिए नाज़रीन, अभी आपको दिखाएंगे हम तलाई, इसके अंडे की हमने तलाई करनी है। इसको हमने मैदा लगाना है, हल्का सा पानी लगाना है, और उसके बाद हमारे पैन के अंदर हमारा ऑयल डाल दिया है, फ्लेम ऑन करेंगे। फ्लेम हमारा ऑन हो गया, अभी हम इसके अंदर अंडों को शैलो फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना। तो देखें, ऐसे एक अंडा उठाएं, मैदे में ऐसे लगाएं, ऐसे लगाएं, हल्का हल्का, देख रहे हैं, हल्का हल्का मैदा लगाना है इसको, पर ज़्यादा नहीं लगाना, ऐसा लग जाए। और इसको हल्का सा पानी लगा के, छोड़ना नहीं है पानी में, फिर इसमें डाल दें, और फिर इसको ऐसे ऐसे घुमाएं हाथ की मदद से, ऐसे ऐसे, देख रहे हैं मैदा लग रहा है इसको। यही हमारी कोटिंग है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसमें नमक नहीं डालना, इसमें कुछ नहीं डालना, क्योंकि जो हमारी ग्रेवी है ना, उसमें हमने हर चीज़ डाली हुई, और रोटी, और ये देखें कितनी प्यारी कोटिंग हो चुकी है, नज़र आ रही है आपको। और इसको इसी तरह से घी में रख देना, ठीक है, ये तलाई होने के लिए, इसको हम तलेंगे, और फिर डार्क साइड तलते हैं, और फिर दिखाते हैं आपको। तो देखें नाजरीन, हमारा अंडा करी मसाला जो है बन के तैयार है। अब इसको फ्राई कर लिया है, फ्राई करके इसमें ढेर डाल दिया है, और बगैर भी डाल दिया है, और गार्निशिंग कर दी है, और देखें कितना प्यारा लग रहा है, ज़बरदस्त, हाईली रिकमेंडेड है। घर पर खाएँ, मेहमानों को पेश करें, और बहुत अच्छा बनाया हुआ, ठीक है। और रोटी के साथ, नान के साथ, जैसे भी आप नोश कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, और दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मैं था मोहम्मद आसिफ, आप देख रहे थे फूड मलक स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम।